हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू 360। सो मैं आज नायका से और पर्पल दोनों के भी लग्जरी स्टोर से जो मैंने चीज़ें मंगाए हैं उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने दोनों भी ये ब्यूटी पोर्टल से मैक का कॉम्पैक्ट मंगाया है जो कि दो डिफरेंट शेड में है। एक्चुअली फर्स्ट मुझे जो शेड है वो बिल्कुल सही नहीं आया था, जैसे कि मैंने नायका से मंगाया था। वो ये NC35 है जो कि थोड़ा सा वाइट है, आप देख सकते हैं इसका ये कलर। आउटर पैकेजिंग में भी उसका जो कलर है वो वैसा ही है। सो सेकेंड मैंने जो नायका से मंगाया था, और ये देखिए मुझे पहले ये कुछ इस तरीके की पैकेट में था, फिर अंदर ये था जो कि पर्पल की पैकेजिंग थी, और नायका में ही देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा लग्जरी ब्रांड का। और ये एक ये इसके साथ ये, और इस तरीके से खुलना होता है, और ये है NC41। आप देख सकते हैं बाहर से ही आउटर पैकेजिंग इनकी दोनों की कलर कितना डिफरेंट है। पहले मैंने ये मंगाया था जो कि मेरे स्किन टोन पे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ था, और ये देखिए ऊपर से भी आपको कलर डिफरेंस समझ में आएगा। ये थोड़ा सा वाइट में है और ये ऑरेंजिश येलो काइंड ऑफ है कलर। सो मैं खोल कर बताती हूँ इनसे। ये देखिए ये जो है आपको इसे इस तरीके से ओपन करना होता है, ये आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ऊपर आपको मिरर मिलेगा। और ये कलर आपको कैमरा की फ्लैश लाइट पर थोड़ा सा वाइट दिख सकता है, लेकिन ये कलर रेडिश में थोड़ा सा, जैसे कि इस पर बताया हुआ है ना, ब्राउन पिंक ऑरेंजिश, थोड़ा ऐसे कलर में दिखेगा। और सेकेंड कलर जो ये सेकेंड शेड जो ये है, ये देखिए ऊपर साइड इसका मिरर, और आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा आपको कलर वेरिएशन नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ माई कैमरा। दोनों भी आपको वाइट दिखेंगे, बट मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मुझे बिल्कुल सीधे से कलर वेरिएशन इसमें दिखता है। ये लिटिल बिट ऑफ वाइट रेंज में है, आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये जो कलर है ना ये वो वाला कलर है, और ये जो कलर है ये NC41 है। सो अगर आपका स्किन टोन वाइट में है और येलोइश में भी है, सो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप NC30 या 35 में से कोई एक चुने, 25 भी ले सकते हैं। सो मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए मुझे सेकेंड इन्वेस्टमेंट करके NC35 शेड मंगाना पड़ा, बजाय कि मुझे मैंने पहले जो NC41 शेड मंगाया था। सो ये कुछ इस तरीके से आता है। और सेकेंड इसमें और एक ये है सेक्शन, जैसे कि ये जिसमें आपको ये क्या कहेंगे इसे, स्पॉन्ज मिलता है। काफ़ी लाइट वेट है और अच्छा सा फ्लफी भी है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके बताऊं, सो माय गॉड, सो ये देखिए NC41 है, ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सोच आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली ये पाउडर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन है, पाउडर प्लस फाउंडेशन। सो आप इसे, मतलब आप अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको फाउंडेशन का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा कवरेज है, आप देख सकते हैं इसका। तो एक सिंगल ही मैंने स्वॉच लिया था, और ये देखिए इतने अच्छे से मतलब कि आप इसका पिगमेंट देख सकते हैं कितना अच्छा है, तो ये फेस को भी उतनी ही अच्छी से कवर करेगा। और मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं और इसके कवरेज पर बहुत ही बेटर कवरेज है, मुझे ऐसा लगता है। और मैक जैसा ब्रांड है तो ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। तो यही मेरा रिव्यू था जो मैं शेयर करने वाली थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू 360। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।